आज हम बनाएंगे हरी और लाल मिर्च का बहुत ही चटकारेदार मसालेदार भरवा अचार। बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन ये रेसिपी बनाने में उतनी ही इजी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड दिस रेसिपी। इसके लिए सभी मिर्चों को मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है। ड्राई स्पाइसेस लिए हैं कुछ, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन और पिसी हुई धनिया थी, अगर साबुत हो तो वो भी ले सकते हैं। सारी क्वांटिटी में 100-100 ग्राम है। इसके अलावा 50 ग्राम काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक मग और 50-50 ग्राम मैंने हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर लिया है। सभी ड्राई स्पाइसेस को पहले पीस लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से पीस लिए हैं सभी ड्राई स्पाइसेस और धनिया पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे। मेरा धनिया पाउडर पहले से ही पिसा हुआ था, इसलिए मेरे को इन मसालों के साथ उसे मिक्स करना पड़ रहा है। अब सभी मिर्चों को ना ऐसे कट लगा देंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी इसको, इसके मुंह से इसे ओपन करके इसमें मसाला फिल कर सकते हैं। अब सरसों का तेल लिया है, तकरीबन 1.5 से 2 कड़छी ली है। सभी मिर्ची हमने कट कर ली है, चीरे लगा लिए हैं। अब मसाले को तेल में डालेंगे। तो तेल हमारा पक चुका था, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और ये हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा गीला गीला बन गया है हमारा ये ना, तेल की वजह से। अब इसमें ना हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, आधी कटोरी जितना हमने विनेगर डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इससे हमारा अचार लंबे समय तक बना रहता है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर दें। इन मसालों को हमने मीडियम टू लो पे हमने कुक किया है ताकि इनका अरोमा ख़त्म ना हो। अब मिर्ची में सभी मसालों को हम फिल कर देंगे अच्छी तरह से भर भर के। ये देखिए सभी मिर्ची को हमने फिल कर लिया है। और आपको दिखाने के लिए ना मैं एक ऐसे बाउल में निकाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे इसे आगे कैसे करना है। अब इसमें मैं ना कड़ा हुआ तेल डाल दूँगी, सरसों का तेल। कई लोग कच्चा डालते हैं, लेकिन हम तो पका के ही ऐसे डालते हैं, ऐसे नहीं डालते। इससे अच्छा टेस्ट आता है। तेल अच्छे से डाल देंगे ताकि हमारी मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए अब इसे किसी भी कंटेनर जार में निकाल सकते हैं आप। 2-3 दिन में ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।